तो जैसे कि हेयर एक्सटेंशन कराने के बाद या करने से पहले भी काफ़ी लोगों को ये टेंशन होता है कि मैं हेयर एक्सटेंशन तो कर लूँगी, फिर उसके बाद क्या, पता नहीं हमारे हेयर कैसे रहेंगे और रिफिल का क्या है, कैसा है। तो ये देखो, इन्होंने भी हेयर एक्सटेंशन करवाया था, मुझसे ही करवाया था, और आज वो आई हैं रिफिलिंग के लिए। रिफिलिंग हम लोग कब करते हैं, क्योंकि जब हमारे हेयर में रीग्रोथ होते हैं ना, तो ये देख सकते हैं जैसे कि एक्सटेंशन ये नीचे चला गया है, रीग्रोथ होने के बाद ये थोड़ा नीचे आ गया है। तो जब हम रिफिल करेंगे ना, तो ये हेयर एक्सटेंशन जो हमने अटैच किया है, इसे हम रिफिल करने के बाद वापस से फिर से थोड़ा यहाँ पे हम अटैच कर देंगे रूट से थोड़ा नीचे। तो ये हम रिफिल करने के बाद फिर से हेयर को रिफ्रेश करेंगे और वापस से हम एक्सटेंशन जो है वो अटैच कर देंगे। तो रिफिलिंग करने में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और कोई पेन नहीं होता। होता है क्या, पेन वगैरह हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है ना, ऑल ओके ना? तो रिफिल करने में कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसे हम रिफिल करेंगे और जस्ट हम इसे कुछ इस तरह से रिफिल करके देखिए कि हमारे जो नेचुरल हेयर है वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि मैंने इनके हेयर में जब अटैच किया था, तो ये हमारे हेयर एक्सटेंशंस थे जो हमने अटैच किया था, और ये इनके रियल हेयर थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक भी रियल हेयर जो होते हैं वो बाहर नहीं आए, बिकॉज अगर एक्सटेंशन की प्रोसेस सही है और एक्सटेंशन अगर अच्छी क्वालिटी की है और रियल ह्यूमन हेयर है, तो आपके नेचुरल हेयर में या फिर रूट में किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। आपके नेचुरल हेयर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो इनके हेयर में जितने सारे एक्सटेंशंस हमने अटैच किया था वो सारा हमने निकाल दिया है रिफिल करने के लिए। और निकालने टाइम पे कोई पेन वगैरह कुछ हुआ क्या आपको? ना ना ना, कुछ भी नहीं हुआ ना? ना, ना, ना। और ये देखिए, जैसे कि निकालने के बाद बहुत लोगों के हेयर जो है ब्रेक हो जाते, टूट जाते, छोटे करने पड़ते हैं। अच्छा, आपके हेयर कुछ टूटे वूटे नहीं ना, ब्रेक नहीं हुए ना? आपके हेयर लॉन्ग हुए थे, थोड़ा रीग्रोथ हुआ था, उसके बाद हम रिफिल कर रहे हैं, राइट? और कोई भी ऐसा पेन नहीं हुआ, हेयर कहीं से भी ब्रेक नहीं हुआ, कुछ पेन वगैरह, कुछ हेयर ब्रेक कुछ भी ऐसा हुआ? तो ये देखिए, जैसा हेयर हमने अटैच किया था सेम वैसे ही इतने ज्यादा डेंसिटी में है ये हेयर। और जितना हेयर की जो भी थिकनेस थी, एक भी हेयर फॉल हुए थे क्या एक्सटेंशन में से? ना, सेरकम করে কিছু না। तो उनका नेचुरल हेयर जेरकम छिलो सेरकम ही আছে, আর হেয়ার এক্সটেনশনও যেটা আমরা অ্যাটাচ করেছিলাম সেটাও কিন্তু সেরকমই আছে, যেটা তো ওইটাই হয়। তো ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम उनके साथ हुआ नहीं है। तो ये रिफिल करने आई है, तो आप जब भी कहीं भी एक्सटेंशन कराओ तो ये पहले जज कर लो कि हेयर एक्सटेंशन की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, आप जहाँ से करवा रहे हो वो एक्सपीरियंस है या नहीं है हेयर ड्रेसर जो भी आपके हेयर पे वर्क कर रहे हो। और सेकेंड ये है कि एक्सटेंशन कराने के बाद जिनका एक्सपीरियंस सही नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि हेयर जो हमारे नेचुरल हेयर की थिकनेस कम हो जाती है, हेयर ब्रेक होने लगते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे क्लाइंट का जो कहना है कि इनका जो भी नेचुरल हेयर था वो बिल्कुल वैसे ही है, जो हेयर एक्सटेंशन हमने अटैच किया था वो भी सेम वैसे ही है। तो सस्ते में मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। ओके, अगर सस्ते में जाओगे या दिखावे पे मत जाओ, आप पहले खुद से एक्सपीरियंस कर लो, हर एक जगह आप वेरीफाई करो जरूर, लेकिन इतना देख लो कि जो भी बंदा अगर आपको कम में प्रोवाइड कर रहा है या फिर ऑफर में प्रोवाइड कर रहा है, तो कोई भी घर से ऑफर नहीं देता। मैं भी नहीं देती घर से ऑफर। मुझे जब ब्रांड ऑफर प्रोवाइड करते तो मैं अपने क्लाइंट को देती हूँ, नहीं तो मैं बोल देती हूँ भैया ये चार्ज है, क्योंकि हम क्वालिटी मेंटेन करने पे ट्रस्ट करते हैं, क्वांटिटी नहीं। हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी अगर आप मेंटेन करते हो तो क्वांटिटी आपके पास खुद चल कर आएगी, है ना? सही, तो क्वालिटी सही है ना? बिल्कुल। तो ये सारा कुछ हमने बता दिया, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना। और अगर किसी को भी करना हो तो पहले वेरीफाई कर लो, लास्ट में फलकनाथ के पास आना। सब जगह आप लोग फोन कॉल्स करो, घुमा लो फोन, ऑफर वेरीफाई कर लो, क्वालिटी वेरीफाई कर लो, लास्ट में हमारे पास आना अगर आपको ऐसा लगे तो। तो ये सारे स्टैंड हमने निकाल दिए एक्सटेंशन को फिर से वापस से रिफिल करने के लिए। हाँ, मैं आपको और एक बात बता दूं, ये जो हमने अपने हाथों में होल्ड कर रखा है एक्सटेंशन, ये सिर्फ 30 स्टैंड से है। जी हाँ, आप बिलीव कर सकते हो, ये सिर्फ 30 स्टैंड से, जो कि और बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास आए थे कहीं और से अटैच करवा करके। ये देखिए, ये डेंसिटी आप देख सकते हैं, ये 100 के बराबर है हमारे 30 स्टैंड्स, और लॉन्ग भी इतना है आपको वेस्ट लेंथ। तो काफी सारे क्लाइंट्स जो कहीं और से हमारे पास आए थे हेयर एक्सटेंशन अटैच करवा करके, तो उनके हमने देखे थे 100-150 स्टैंड्स उन्होंने लगा रखे थे अपने हेयर में, और ये 100 स्टैंड्स के बराबर हमारे 30 स्टैंड्स हैं। जो और भी एक्सटेंशंस हैं हमने जो खुद से अपने हाथों से निकाला बाकी क्लाइंट्स के, और उनके हेयर में भी काफी प्रॉब्लम हुआ था,
तो बाकी वीडियो भी मैंने शेयर किया है उनके प्रॉब्लम्स भी कैसे हुए थे। और ये रियल ह्यूमन हेयर है, इसके ऊपर आप स्ट्रेटनिंग, आयरनिंग, हेयर कलर आप कुछ भी कर सकते हो, एकदम 100% ये रियल ह्यूमन हेयर है। बाकी के डिटेल्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। जितने भी एक्सटेंशन के रिगार्डिंग आपकी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कर सकते हो, और वो सारी डिटेल्स फिर से मैं वापस अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप कहीं भी एक्सटेंशन करो तो यार एक्सटेंशन में जो भी खर्च है वो ऐसे ही पानी में मत बहाओ, बस जांच लो, परख लो, उसके बाद ही अपने पैसों को कहीं पे भी खर्च करो। तो नेक्स्ट जो भी डिटेल्स आपको चाहिए मुझे कमेंट में जरूर शेयर करना, फिर मैं वापस से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। बाय बाय।